फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड ने हमेशा लोगों को मालामाल किया है और ये स्टॉक हमेशा हमारे विश्वास पे खरा उतरा है। जब से इसकी प्राइस 5-6 रुपये के आसपास थी, तब से मैंने खरीदारी की सलाह दी और ये लगातार वैसा ही प्रदर्शन कर रहा है जैसा हमने कहा है। इसमें लगातार बड़ी तेज़ी के बाद में थोड़ी सी गिरावट आती है, थोड़ा सा रेस्ट करता है स्टॉक, फिर दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिलहाल ये रेस्ट के मोड में है और थोड़ा सा इसमें करेक्शन बाकी है, परंतु बहुत जल्द यहाँ से दौड़ने को तैयार हो जाएगा। तो ट्राइडेंट लिमिटेड से 3 बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है। बहुत दिन से हर किसी के क्वेश्चन थे कि हमें अपने ट्राइडेंट का जो डिविडेंड अभी तक नहीं मिला है, तो डेट आ चुकी है, कब तक आपके अकाउंट में डिविडेंड आने वाला है वो क्लियरली आज आपको समझ में आ जाएगा। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड ने जो अपने नए प्रोडक्ट ट्राइसेप की लॉन्चिंग कर दी है, तो कैसा है वो, उसका वॉशिंग पाउडर, उसको भी हम देख लेंगे। साथ में एक बड़ी अनाउंसमेंट ट्राइडेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो ट्राइडेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, एक उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। तो क्या है वो पुरस्कार, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो तीनों को तीनों जो न्यूज है बहुत ही शानदार है और इसके दम पे लगता है कि आने वाले समय ट्राइडेंट काफ़ी ज़्यादा कमाल करने वाला है और इस लेवल पर अगर हम खरीदारी करते हैं तो बहुत जल्द हमें ये स्टॉक 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 20.25 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 20.75 की, लो बनाए 20.10 का और अंत में 20.25 पर करीब 1.94% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी। और मैंने आपको पहले भी बोला है, फिलहाल ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन के मोड में, अभी भी इसमें थोड़ी सी गिरावट बाकी है। 18 के आसपास ये मिल सकता है तब आप इसमें खरीदारी करें, आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत शानदार है, यानी ये 3 डिजिट में जाने को तैयार है। 1 से 2 साल के नज़रिए के लिए अगर आप इसको होल्ड कर लेते हो तो ये 3 डिजिट में डेफिनेटली जाएगा। अगर इसके BSE के वॉल्यूम को एनालिस करें तो 29,95,000 का वॉल्यूम हुआ था और सामने 10,81,000 की डिलीवरी उठाई गई थी और डिलीवरी का परसेंटेज 36.11% है। NSE की बात करें तो 1,86,07,000 का वॉल्यूम हुआ था और सामने 81,34,000 की डिलीवरी उठाई गई है, डिलीवरी का परसेंटेज 43.71% है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार हर किसी के जो तमन्ना है उन पर खरा उतर रहा है, जो वादे कर रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड का मैनेजमेंट वो वादे लगातार पूरे हो रहे हैं और ट्राइडेंट लिमिटेड ने लोगों के लिए एक शानदार गिफ्ट पेश किया है, यानी एक बहुत ही सुरक्षित एक वॉशिंग पाउडर बनाया है ट्राइडेंट ने ट्राई सेफ नाम से, जो हकीकत में अपने नाम के हिसाब से ही सेफ है क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल यूज़ किए गए वो बिल्कुल नेचुरल है। इसके अंदर नीम का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स इस्तेमाल किए गए, तो पूरी तरह से अपने हाथों की सुरक्षा के लिए और कपड़ों की सुरक्षा के लिए ये वॉशिंग पाउडर को बनाया गया है। तो ये बाज़ार में बहुत जल्द अच्छा खासा कब्जा कर सकता है और इसका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार इसकी लुकिंग है और वैसी ही इसकी क्वालिटी है, तो बहुत जल्द ये बाज़ार में छा सकता है और इस नए इस प्रोडक्ट के माध्यम से ट्राइडेंट के कारोबार में और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। तो ये मध्य प्रदेश की बुद्धि में इनकी जो फैक्ट्री है वहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है और धीरे धीरे इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए एक शानदार अनाउंसमेंट किया है कि ट्राइडेंट लिमिटेड के जो भी एम्प्लॉयज़ बॉर्डर के आगे जाके काम करेंगे, यानी हद से गुजरने का जो काम, यानी जो अपनी सीमाओं को तोड़ के काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ है, उस एम्प्लॉयज़ को पुरस्कार के तौर पे कंपनी के शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे 3 साल के लॉक इन पीरियड के माध्यम से, ताकि वो आगे आने वाले समय में 2025 का जो विजन पेश किया है मैनेजमेंट ने, 2025 तक जो कंपनी का रिवेन्यू वो 25,000 करोड़ रुपये तक पहुँचाना है, और इसीलिए ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो बॉर्डर के पार जाके काम कर पाए। तो इसलिए ऐसे एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करने के लिए कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर देने वाली है 3 ईयर्स के लॉक इन पीरियड के साथ में। तो बहुत ही अनाउंसमेंट शानदार है और जो अभी आने वाली AGM में इस ये शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। तो AGM की डेट आ चुकी है, 27 अगस्त है और इस 27 अगस्त की AGM में ही आपके जो डिविडेंड है उसका जो है निपटारा भी हो जाएगा। जो डिविडेंड घोषणा की गई थी 25 मई को 36 पैसे की, तो वो अब आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो 27 अगस्त के बाद में आपके बैंक अकाउंट में आपका डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो चिंता थी उनका निवारण हो जाएगा बहुत जल्द, कंपनी जो वादा करती है वो पूरा करती है और इसीलिए ट्राइडेंट सबसे हटके। कारोबार की बात करें
तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपना बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है। अगर हम 2020 जून के रिजल्ट को 2021 के जून के साथ में कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा उसमें शानदार हमें संभावना देखने को मिल सकती है। तो जो रिज़ल्ट है उसके हिसाब से जून 2020 में कंपनी का नेट सेल्स 708.54 करोड़ रुपीज़ का था, लेकिन जून में शानदार सेल में बढ़ोतरी हुई है, 1482.38 करोड़ रुपीज़ का टोटल सेल हुआ है। अदर जो इनकम है उसमें कुछ कमी देखने को मिली है, तो अदर इनकम इनकी जून क्वार्टर में 2020 में 5.65 करोड़ रुपीज़ थी, लेकिन जून क्वार्टर 2021 में 2.87 करोड़ रुपीज़ हुए। टोटल इनकम इनकी बड़ी है शानदार, 714.19 करोड़ रुपीज़ की जून क्वार्टर में थी 2020 के, तो इस साल के जून क्वार्टर में वो बढ़ के डबल हो चुकी है, यानी 1485.25 करोड़ रुपीज़ हो गई है। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का 595.36 करोड़ रुपीज़ था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो 1098.17 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका एक्सपेंसेस रहा है, जिसमें 84% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 118.83 करोड़ रुपीज़ था पिछले साल जून में, तो इस साल वो 387.08 करोड़ रुपीज़ हुआ है, तो वहाँ पर 225% की बढ़त देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 10.11 करोड़ रुपीज़ का था, वहाँ पे जबरदस्त जंप देखने को मिला है, 206.81 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा है, करीब 1945% की बढ़त देखने को मिली है। फ्रेंड्स, तो जिस तरह से प्रॉफिट में जबरदस्त जंप देखने को मिला है करीब 2000% का, उससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी की विजय रथ यात्रा यहाँ पर ही नहीं रुकने वाली, ये बहुत आगे तक जाएगी और हमें मालामाल कर सकती है। तो इस स्टॉक में आपको डेफिनेटली निवेश करना चाहिए, जितना हो ज़्यादा निवेश करें, यह स्टॉक आपको कभी मायूस नहीं करेगा, आने वाले समय में आपको जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखें, फिलहाल थोड़ा सा डाउनफॉल है, अगर आप निवेश करना चाहते तो थोड़ा सा रुक जाए, 18-19 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं, परंतु अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया तो कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी निवेश करें, यह स्टॉक तो आगे जाता ही रहेगा। और जिस तरह से कारोबार इनका बढ़ रहा है, कंपनी जिस तरह से पर्यावरण का ध्यान में रख के काम कर रही है, और इसीलिए कंपनी भरोसे लायक है, क्योंकि इसको लगातार इनको पर्यावरण के लिए अच्छे अवार्ड मिल रहे, और जो टेक्सटाइल का इनका बिजनेस है वो बहुत ही शानदार है, लग्जरी इनके ऐसे प्रोडक्ट है कि विदेशों में उसकी ज़बरदस्त मांग है, और इसीलिए टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के लिए इनको गोल्डन ट्रॉफी भी मिली है। और फ्रेंड्स, शोरूम इनके लगातार बढ़ रहे, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है कि पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे ट्राइडेंट के लग्जरी शोरूम हो। फिलहाल बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे अभी तक ट्राइडेंट की एंट्री नहीं हुई है, वो ऐसे राज्यों में गुजरात, राजस्थान, ऐसे राज्यों में भी अब वो धीरे धीरे अपने शोरूम की संख्या बढ़ाने वाले हैं। तो कारोबार लगातार अपना बढ़ा रहे, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनकी लगातार बढ़ रही है और एक तरफ उनका रिटेल बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो दोनों मोर्चों में वो साथ में लड़ रहे, और आने वाले समय में कारोबार इनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इसीलिए प्रोत्साहित करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को वो फ्री में शेयर भी दे रहे हैं। तो इस तरह से जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो आने वाले समय में ट्राइडेंट को काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकते हैं, और उस समय आपका जो निवेश है वो भी कई गुना बढ़ सकता है, तो आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं लगभग इसकी प्राइस जब 6 रुपये थी तब से कह रहा हूँ कि आप ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे जितना करें, स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, और ऐसे पेनी स्टॉक बहुत कम होते हैं जो आपको मालामाल कर सकते हैं, जिनके अंदर फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनके प्रमोटर और इनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, और इसीलिए कंपनी में भरोसा किया जा सकता है। आने वाले समय में ये आपको बम्पर रिटर्न देंगे, तो आप अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।